नमस्कार मेरे प्यारे इंजीनियर्स दोस्तों, भाइयों और मेरे कुलीग्स, आपने जो बे इंतहा प्यार मेरे पुराने दो वीडियोस पे दिया है उससे मुझे काफ़ी अधिक मोटिवेशंस मिला। बहुत दोस्तों के कमेंट्स आए कि सर कुछ और वीडियोस डालिए ताकि हमारे कैरियर को इन्हेंसमेंट मिले। तो बहुत से आरएनडी करने के बाद मैं आपके बीच में फिर से एक नई सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए, ताकि आप अपना कैरियर पाथ बना सकें और आपको किसी तीसरे की ज़रूरत ना पड़े। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको बेस्ट से बेस्ट देने की। सिर्फ आप अपने आप को कंसंट्रेट करें वीडियोस में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल थियोरेटिकल और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग्स का सारा भंडार लेकर आ रहा हूँ अपने नए चैनल में और नए वीडियोस के एग्जीक्यूटर्स में, ताकि आपको नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा हाई टेंशन लाइन से लो टेंशन लाइन तक का डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा छोटा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ताकि आपको क्लियर हो कि आप किसके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा नाम रुपेश श्रीवास्तव है और एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ हूँ। 22 साल हो गए डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करके, एक्सपीरियंस गेन करके। इस 22 साल का जो निचोड़ है, इस 22 साल में जो स्टूडेंट्स को चाहिए और जो हम इंडस्ट्री में होते हुए उस चीज़ों को नहीं मिल रही है, उस कैरियर ग्रोथ पाथ में मैं आपको आगे की तरफ लेकर जाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने अपने पूरे इस 22-23 साल के कैरियर में कहाँ कहाँ काम किया उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ऑर्गेनिक इंडिया, जो कि फार्मास्यूटिकल और तुलसी टी में आज के डेट में बहुत अग्रणी कंपनी है। मोहन मेकिन्स डिस्लरी है। फ्यूचर ग्रुप, आपने बिग बाजार पेंटालून का बहुत नाम सुना होगा। कंप्यूटर साइंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हम आईटी के फील्ड में थे। स्पेस ग्रुप, डीएलएफ, कुशमन एंड वेकफील्ड, जॉन्स लैंग लेसाल, और आज की डेट में मैं करेंटली जनरल मैनेजर टेक्निकल ऑपरेशन इन पैसिफिक ग्रुप हूँ। तो अच्छी जिंदगी चल रही है, लेकिन इन 2-3 सालों में कोरोना के बाद जो चीज़ें निकल कर सामने आई, वो टेक्नोलॉजी ने 2 स्टेप्स आगे फॉरवर्ड कर लिया। तो आज उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम एचटी और एलटी की बात करेंगे, हाई ट्रांसमिशन और लो ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद में करेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उसके बाद में बात करेंगे। और आगे आने वाले वीडियोस को आप देखते रहिए, एक एक इक्विपमेंट्स के ऊपर में बात करेंगे, थियोरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी, और आपके क्वेश्चन रिव्यूज़ के सॉल्यूशंस भी, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचटी से एलटी डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन एचटी से एलटी डिस्ट्रीब्यूशंस करते समय जब भी आप कोई भी इंटरव्यूज़ देंगे, सबसे पहला क्वेश्चंस आपके ऊपर पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि एसएलडी बताओ। तो एसएलडी क्या है? एसएलडी है बॉस, सिंगल लाइन डायग्राम। क्या है? सिंगल लाइन डायग्राम। अब ये सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बहुत सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि एक गाड़ी एक स्टेशन से चली और उसका डिस्टिनेशन पॉइंट जो था उसके बीच में कितने स्टेशन पड़ते रहे। तो सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब है कि अगर आप नई दिल्ली से चले हैं और हमें मुंबई जाना है, तो डिस्टिनेशन तो मालूम है,
उसके बीच में क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी उसका लेखा जोखा आपको रखना है। दैट इज बेसिकली हिंदी में कहते हैं भैया सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, जिन इंजीनियर्स को सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ने आ गया आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व है। आज की डेट में अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता जी। अब हम इस सिंगल लाइन डायग्राम पे हम जब बात करेंगे तो दोस्तों हम आज आपको दिखा रहे हैं देखिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड से हमारे पास एक सप्लाई आई, कोई भी सप्लाई हो सकती है, वो 33 kV भी हो सकती है, 11 kV भी हो सकती है। अब ये केवी क्या है, 33,000 volt या 33 kV और 11 kV ठीक है। तो अगर ये 33,000 volt और 11,000 volt आई और आपके घर में जो सप्लाई आती है वो आती है या तो 3-phase कनेक्शन और या तो सिंगल फेज कनेक्शन, ठीक है। 3-phase सब कनेक्शन 400 से 410 वोल्ट और सिंगल फेज कनेक्शन 210 से 230 से 240 वोल्ट यही सप्लाई आई ना भाई। तो 11,000 33,000 से इतना डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान तो है नहीं, लेकिन आसान है। अब कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। तो आपकी जो ये सप्लाई आई 33,000 volt ये आई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, कहां गई, एचटी मीटर पे। बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि सारे इंटरव्यूज में मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, कहाँ गई पहले, एचटी मीटरिंग पे। एचटी मीटरिंग से कहाँ गई आपकी, सीटीपीटी पे। सीटीपीटी से कहाँ गई, वीसीबी पे। वीसीबी पे कहाँ गई, ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर क्या था आपका, 11,000 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, इसने कन्वर्ट कितने में किया, 433 पे। 433 से फिर आपके ये मेन आइसोलेटर पे सप्लाई चली गई। तो आपने यहाँ पर क्या क्या देखा, एक तो केबल देखी आपने, एक वीसीबी देखी आपने, एक ट्रांसफार्मर देखा आपने, एसीबी देखा आपने, एमसीसी भी देखा और आगे का आपने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो जब हमारे पास स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई आई और एचटी मीटर पे गई, इस एचटी मीटर से एक केबल जा रही है 3 core 185 square mm, क्या जा रही है, 3 core 185 square mm। भैया सप्लाई आई 3 core में गई है, तो इसका क्या मतलब है, यहां पर कोई न्यूट्रल की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या मिल गया, R, Y और B, 3-phase इनपुट के मिल गए जो कि VCB में चला गया। अब ये VCB किस चिड़िया का नाम है, अब ये VCB किस चिड़िया का नाम था, तो जो ये सप्लाई आपकी मीटर पैनल से गई वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में गई या SF6 ब्रेकर में गई, ठीक है। अब उस SF6 ब्रेकर से निकलकर वो सप्लाई कहाँ गई, ट्रांसफार्मर के इनपुट पे। ट्रांसफार्मर का इनपुट यानी 11,000 या 33,000 वोल्ट। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर ने स्टेप डाउन किया वो कहाँ मिल गया, 433 वोल्ट। उसके बाद कहाँ पहुंच गए हम, मेन आइसोलेटर पैनल पे, वहां हमें मिला एक नया स्टेशन, उसका नाम था एयर सर्किट ब्रेकर। और उसके आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है
वो एयर सर्किट ब्रेकर, MCCB, MCB, ELCB, RCCB, ठीक है, MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। टाइप्स ऑफ केबल्स भी हम यूज करेंगे, ठीक है। अब आपने इसको देखा, यहां पर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों XLPE। बहुत से इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं कि ST या LT में आप जो वो XLPE लिखा हुआ है वो क्या है। फिर आप क्या करते हो, आप ऊपर देखते हो, सर खुजलाते हो। तो दोस्तों कोई बात नहीं, XLPE का फुल फॉर्म है क्रॉस लिंक पॉलीमर एथिलीन। ठीक है दोस्तों, तो XLPE का आपको फुल फॉर्म पता चल गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस पर। कि अब देखो, जब वहां पर जो मेन सप्लाई हमारे पास ACB से निकल कर आई, मेन आइसोलेटर पैनल से निकल के आई, अब आप उसके बाद आप कुछ भी डिनोट कर सकते हो। देखो आपका ये फोर पोल ईडीओ, फोर पोल ईडीओ, फोर पोल ईडीओ, फोर पोल ईडीओ। अब भैया ये ACB तो है, ये ईडीओ कहाँ आ गया। तो ACB दो तरीके की होती है, एक ईडीओ टाइप होती है और एक MDO टाइप होती है। एक ईडीओ टाइप और एक MDO टाइप। ईडीओ मतलब इलेक्ट्रिकली ड्रॉआउट, MDO मतलब मैकेनिकली ड्रॉआउट। जब हम ACB के पार्ट को पढ़ेंगे तो हम इसको पूरा देखेंगे कि ईडीओ और MDO का फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है। ईडीओ और MDO की फंक्शनैलिटी क्या है, तो ईडीओ में इलेक्ट्रिकली ड्रॉआउट, MDO में मैकेनिकली ड्रॉआउट। इन दोनों में सिर्फ एक स्प्रिंग का खेल है, एक मैनुअल स्प्रिंग को चार्ज करते हैं और एक इलेक्ट्रिकली ऑटोमेटिकली स्प्रिंग को चार्ज करते हैं, और कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बीच में भी बहुत सी चीज़ें आएंगी, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास निकल कर आया, चार पार्ट में चला गया। और ये चार पार्ट में अगर आप देखोगे तो एक तो DG में चला गया, एक ट्रांसफॉर्मर से आया हुआ है, और एक यहाँ पर जो ईबी का पार्ट है, और एक ये DG का पार्ट है। तो अगर सोर्स सप्लाई आपकी ईबी कट जाती है, DG का सोर्स आता है, तो इस DG के सोर्स से अब आगे आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका ट्रांसफॉर्मर से, और एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका DG से, ठीक है। अब उसके बाद आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, कहीं फर्स्ट फ्लोर पे देना है, कहीं सेकंड फ्लोर पे देना है, कहीं थर्ड फ्लोर पे देना है, कहीं फोर्थ फ्लोर पे देना है, उसका आगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलता जाएगा। अंतर सिर्फ इतना है दोस्तों, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो सप्लाई आ रही थी, जो ट्रांसफार्मर के इनपुट तक थी, वो 3 कोर की थी, और जब ट्रांसफार्मर के बाद निकली तो वो 4 कोर की सप्लाई हो गई, या जिसको हम कहते हैं 3.5 कोर, यानी RYB और न्यूट्रल, ठीक है। RYB और न्यूट्रल, वो अर्थिंग में हम समझेंगे पूरा कि अर्थिंग कितने तरीके की होती है, ग्रिड अर्थिंग हम कैसे करते हैं, न्यूट्रल और अर्थ में क्या वो है, तो ये सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब ST पैनल के ऊपर में जिस VCB की हमने बात की थी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पहले जो है, हम मोहन मेकिंस की बात बताता हूँ, जितना बड़ा कमरा है 10x10 के कमरे के बराबर इंग्लिश इलेक्ट्रिक के वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होते थे, और जब एक बार ब्रेकर लगता था तो पूरा कमरा हिल भी जाता था, ठीक है। तो अब तो बहुत कॉम्पैक्ट्स हो गए हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर और ऑयल सर्किट ब्रेकर हम ST में
यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑयल सर्किट ब्रेकर अब थोड़ी सी ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई, तो आज की डेट में हम VCB और SF6 को यूज करते हैं। उस VCB और SF6 को यूज करने के बाद ये एक तरीके के हम प्रोटेक्शंस पे लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, इस जगह पे देखो, तो यहां पर आपको ब्रेकर मिलता है, ये आपका ब्रेकर का कंपार्टमेंट है, ठीक है। ये आपके सेफ्टी रिलेज लगी हुई है, ठीक है। हम इसका पूरा वीडियो प्रैक्टिकली आपको कर दिखाएंगे और दिखाएंगे, ओके, प्रैक्टिकली कर दिखाएंगे कि ये यहाँ पर मास्टर ट्रिप रिले कौन कौन सी है, आपका ट्राई वेक्टर मीटरिंग क्या क्या है। ट्राई वेक्टर मीटरिंग का मतलब क्या है, 360 डिग्री को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, 120 डिग्री में जो भी फेज एंगल बन रहे हैं उसके उसमें कितना कंजम्पशन हो रहा। आपने यहाँ MFM देखा होगा, इसको कहते हैं मल्टी फंक्शन मीटर्स, जिसमें आपको किलो वॉट भी दिखाएगा, KVH भी दिखाएगा, पावर फैक्टर भी दिखाएगा, लाइन करंट भी दिखाएगा, लाइन वोल्टेज भी दिखाएगा, ये सब कुछ दिखाएगा। तो हम इस एक ही मीटर से जब इतनी रीडिंग्स लिए तो क्या हो गया, मल्टी फंक्शन मीटर, ठीक है। ये सारे आपके देखिए फॉल्ट इंडिकेटर्स हैं और दिखाएंगे ये सारे, ओके। ये आपका TLC स्विच है, ये सेलेक्टर स्विच है। तो ये VCB के बारे में हमने ये इसका एक कंपार्टमेंट देखा, और इस कंपार्टमेंट में VCB क्या है, एक तरीके की एक ये सेफ्टी सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। चलिए, देखो भैया, आपको बड़ा क्लियर बता दें कि 33,000 वोल्ट पे अगर आपने किसी भी सेफ्टी रिले को लगाया तो क्या होगा, जल जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, CT और PT की जरूरत पड़ती है। CT क्या है, करंट ट्रांसफार्मर, PT क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। CT करंट मेजर करती है और PT वोल्टेज मेजर करती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, CT करंट मेजर करती है, PT वोल्टेज मेजर करती है। बहुत से इंटरव्यूज में पूछा जाता है, और इन CT PT को कैसे सेलेक्ट करना है ये हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। कि करंट ट्रांसफार्मर अगर हमने कहा 100/5, ठीक, 200/5, इसका मतलब क्या है, ठीक है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट टर्मिनल, वैक्यूम इंटरप्टर, ग्राउंड टर्मिनल, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, मैग्नेटिक एक्चुएटर्स, सेंसर्स, कैपेसिटर्स, मोटर्स, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। बस बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से ब्रेकर को बिल्डिंग सर्विसेज में हम यूज करें, ठीक है। VCB का मतलब क्या है, ये VCB है क्या, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स को हम कहां पर यूज कर सकते हैं, और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर काम कैसे करता है, क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं आपके सर्किट ब्रेकर्स में, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स में। तो इन सब चीजों को आपको बड़ा ध्यान से देखना है, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन। तो क्या क्या फंक्शन है मोटर्स की, उसके क्या क्या स्टोरेज स्प्रिंग्स की कैपेसिटी है, कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से सेंसर्स यूज कर सकते हैं, ये सारे हमारे लिंक्स पर आपको है। आप अपना समय निकालिए, इसको पढ़िए, ताकि आपका सारा ज्ञान एकत्रित होगा, और एक एक वीडियोस को आप देखते जाइए, एक एक पार्ट पे वीडियोस को, बहुत डिस्क्रिप्शंस पे वीडियोस को बनाई है, एक एक पार्ट्स आपके पास आती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सारे वीडियोस पर डे कॉन्टिन्यूसली अब आपको मिलते रहेंगे, ठीक है।
मुझको नहीं चाहिए कि आप उसको लाइक करिए या क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपके लिए बेटर होगा, आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं मिलेगी। लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव एग्जीक्यूशन, लाइव ट्रेनिंग, सब कुछ आपको मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो हमारा था VCB, अब हम आ गए LT पैनल्स के ऊपर पे। LT पैनल्स पे देखो ACBs को हम यूज करते हैं, यहां पर भी हम सर्किट ब्रेकर्स को यूज करते हैं। ठीक है, बहुत से दोस्तों ने बोला कि सर ACBs के बारे में बताइए, तो मैं चाहता था कि आपको एक बेसिक से लेकर आऊं और अंत तक लेकर जाऊं। तो चाहे वो VCB हो गई, चाहे वो ACB हो गई, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो गया, चाहे वो DG सेट हो गए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, चाहे वो केबल्स हो गई, ये सारे की जानकारी आपको इस वीडियोस पे मिलती जाएगी। ACBs के बारे में बात करते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का काम क्या क्या है, कौन कौन सी रिलेज ACB में लगाई जाती हैं, उनका काम क्या है, उनकी प्रोटेक्शन ड्यूटीज क्या क्या है। ठीक है, एक ACB कन्वेंशनल ट्रिपिंग पे कैसे काम करता है। ठीक है, ये सारी जानकारियां आपको इन वीडियोस में मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम ACB की बात किए, अब लो वोल्टेज प्रोडक्ट्स पे आते हैं। तो पहले हमने बात किया VCB, हाई टेंशन लाइंस, VCB, SF6, OCB, अब हम आए ACB के ऊपर। अब ACB के आगे क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो हम आपको दिखाते हैं। MCBs, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCCBs, RCCBs, ELCBs, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स की क्या कैपेसिटी होती है, ये क्यों लगाए जाते हैं, तो ये इसलिए लगाए जाते हैं, ये एक तरीके के स्विच की तरह काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, स्टैंडर्ड इसके क्या हैं, इनका कैपेसिटी क्या है, इनकी रेटिंग्स क्या हैं, ये कहाँ पर लगाए जाएं कि हमारी प्रोटेक्शन डिवाइसेस काम करें। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है कि हमारा MCCB कैसे काम करेगा या MCB कैसे काम करेगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मैंने कहा कि पानी ले ली जाए। तो MCB का अगर आप टिपिकल कंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो जैसे ही आप कहते हो 6 एम्पियर, ओके, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 32 एम्पियर, अब ये एम्पियर है क्या? देखो दोस्त, यहाँ पर बाई मेटल ओवरलोड ट्रिप अगर हम इसको देखें, ठीक है, सॉरी, तो जो ये पत्ती आप देख रहे हो ना, इस पत्ती की लोड बियरिंग करंट कैरिंग कैपेसिटी है। इससे अधिक करंट जाएगा तो ये गर्म हो जाएगी, जब ये गर्म होगी तो इस कॉन्टैक्ट को छोड़ देगी, कॉन्टैक्ट को छोड़ देगी तो MCB आपकी ट्रिप हो जाएगी। कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ भी आर्क एक्सटिंग्विश हुई, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा और ये ट्रिप करा देगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक तरीके की सेफ्टी डिवाइस हो गई। पूरे खुल के बात करेंगे, परेशान मत हो, MCB, MCCB सब के बारे में खुल के बात करेंगे, ओके। पहले भी देख लो कि हमें पढ़ना क्या क्या है। MCB कैसे काम करती है, ओके, इसकी रेटिंग्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या प्रोटेक्शंस हैं, ओके, MCB का एप्लीकेशन हम कहां पर यूज कर सकते हैं, MCCBs, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर्स, मतलब ये बाप है और MCB बेटा है। ठीक है, ये बाप है वो बेटा है, लेकिन दोनों के गुण सेम है। जो पॉसिबिलिटीज क्लेरिफिकेशन MCB में था वही चीज आपकी MCCBs में है, उसकी रेटिंग कम थी, इसकी रेटिंग अधिक है। ठीक है,
RCCBs, रेसिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। रेसिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर्स हम कहां यूज करते हैं? देखो रेसिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर्स हम कहां पर यूज करते हैं? टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट, मतलब आपका तीन फेज चल रहा है RYB, एक पे 10 एम्पियर, एक पे 25 एम्पियर और एक पे 40 एम्पियर। भैया ये बैलेंस है, अब यहां पर क्या होगा, एक से तो करंट अधिक जा रहा है, दूसरे से करंट जा ही नहीं रहा या कम करंट जा रहा, तो ये भी तो बैलेंस करना है। तो जहां पर हमें करंट को बैलेंस करना है वहां पर हम RCCBs को लगाते हैं। ओके, फ्लो ऑफ करंट इज नॉट बैलेंस बिटवीन द फेज, करंट का जो फ्लो है वो बैलेंस नहीं है। अगर न्यूट्रल भी बैलेंस नहीं है तो क्या होगा? एक छोटा सा एग्जांपल देखो और फिर हम आपको बताते हैं कि क्या होगा। देखो KW इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू अंडर रूट 3 इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय 1000। देखो भैया ये टिप्स दे रहा हूं, कोई भी MCB, MCCB, ट्रांसफार्मर, केबल, रिले, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, कुछ भी यूज करनी है, अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, किसी की जरूरत नहीं पड़नी। वोल्टेज आपको मालूम है, थ्री फेज करंट है 400 या 440 एम्पियर, मान लो 10 एम्पियर करंट चल रहा, अंडर रूट 3 की वैल्यू मालूम है 1.732, पावर फैक्टर 0.90 चल रहा साहब, डिवाइडेड बाय 1000, पावर फैक्टर पे भी बात करेंगे, ये एक से कम क्यों होता? आपका ये नया क्वेश्चन है, आपको देता हूं, जो आंसर्स दे देगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पावर फैक्टर होता क्या है और ये वन क्यों होता है। जिसके आंसर अच्छे होंगे मैं बताता हूं, आई विल गिव यू द गिफ्ट, 100% आपका गिफ्ट रेडी है, तैयार है। पहला क्वेश्चन, पावर फैक्टर होता क्या है और ये वन क्यों होता। ओके दोस्तों, जो जो आंसर देगा नेक्स्ट वाले वीडियोस में उनके नाम सबसे पहले क्रिएट होंगे। अब हम इसको डिवाइड कर लें, एक कट गया भैया, दो कट गया, तीन कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 1.732 मल्टीप्लाई बाई 0.90, अपने एक दोस्त से बोलेंगे जरा एक भैया इसको मल्टीप्लाई करना, 404 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 4.732 और ये आपका करीब 0.90, करीब ऑलमोस्ट 10 एम्पियर, 10 12 14 एम्पियर के बीच में आ जाएगा। जब आप इसको निकालोगे तो आंसर आपको खुद मिल जाएगा, तो वो क्या आ गया, किलोवाट आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या था, आपको ये भी मालूम था, ये भी मालूम था, ये भी मालूम था, ये भी मालूम था, यानी ये तो आपको 100% मालूम होगा, ये तो अंडर रूट 3 एक रेशनलाइज वैल्यू है ही है जो कि 1.732 के बराबर में होती है, सिंगल फेज या थ्री फेज का करंट। अगर ये नहीं भी मालूम है तो निकाल सकते हो ना दोस्त, तो इस पे एक्सरसाइज करना। ओके, वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर्स की अपन ने बात की थी, तो हमने केबल्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस, ठीक है, MCCBs, RCCBs, सारे सब कुछ हमने देखी, रिलेज, कॉन्ट्रैक्टर्स, ओके, ये सारे की हम बात करेंगे अपने आने वाले वीडियोस के उसमें। और अब आपका को हम एक सिंपल क्रेडिबिलिटी पे लेकर चलते हैं, उस सिंगल क्रेडिबिलिटी की क्या वो है, क्या कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और हमें इसकी ज़रूरत क्यों आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या देख लिया आज, आज हमने देखा VCB के बारे में पढ़ना है, ACB के बारे में पढ़ना है,
एमसीसीबीज के बारे में पढ़ना है, एमसीबी के बारे में पढ़ना है, ईएलसीबी, आरसीसीबी, ठीक है, केबल्स, रिलेज, कॉन्ट्रैक्टर्स, तो आने वाले वीडियोस में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उस पढ़ने के बाद से फिर हम आगे जो है डीजी पे जाएंगे, ट्रांसफार्मर पे जाएंगे, मोटर्स पे जाएंगे, पीएलसी पे जाएंगे, स्काडा पे जाएंगे, फायर फाइटिंग सिस्टम्स के ऊपर पे जाएंगे। तो ऐसे आपको बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस अब आपको मिलने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, मस्त रहिए और अपना आधे घंटे का समय निकाल कर वीडियोस को देखते रहिए। आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने आ गया हूँ फिर से एक नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ, आपका दोस्त रुपेश श्रीवास्तव। नेक्स्ट वीडियोस में जल्दी मिलते हैं, आपकी घंटी आपका इंतजार कर रही होगी एक नए वीडियोस के आगाज के लिए। तो रेडी हो जाइए, अपनी बेल्ट बांध लीजिए और नौकरी की कोशिश जो आप कर रहे थे पाने के लिए बहुत आसानी से मिलेगी अगर आपकी नॉलेज भरपूर है तो। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियोस में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ अपराह्न।